एकदम से फेल सा हो गया। क्या हुआ? स्केट पे आया? नहीं नहीं फेल में, एकदम फेल में हो गया, फेल हो गया। तो नहीं एकदम से क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? अरे तुम पैदल आओ भाई, मम्मी लोगों से ऑफ रोड करवा रहा हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस न्यू फ्रेश व्लॉग में। और भाई आज संडे का टाइम है एंड बहुत टाइम में दोबारा से अपनी ये बुलबुल को निकाला है सड़क पे। और भाई बता दूँ, आज संडे है ना, आप लोग को ये लोग दिख रहे हो जितने भी आगे जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं, ये सारे के सारे पानी वाली जगह में जा रहे हैं। आज ना हम लोग भी निकले हैं, जो कि मम्मी और साथ में मौसी और साथ में भाई सचिन भी है। कहाँ गया? अभी तो यहीं था। अच्छा ये रहा, पीछे बैठा भाई। तो वैसे तो मतलब मेरा ना ये 2023 का पहली बार होगा कि मैं पानी वाली जगह में जा रहा हूँ। और भाई आज वीकेंड हो गया तो बहुत तगड़ा सीन होने वाला है, जो कि भाई आज भीड़ बहुत होने वाली है। तो देखते हैं कैसा रहता है, कोशिश करेंगे कि हम मतलब जहाँ से पानी आता ना मतलब स्टार्टिंग में जाएँ, ताकि अपने को वहाँ भीड़ कम मिले। लेकिन लगता नहीं है कि मतलब भीड़ कम मिलेगी। गर्मी हो रही है, गर्मी गर्मी। ओहो, मौसी बोल रही थी बता कार से चलना तो कार निकल, वरना स्कूटी बाइक से चलते हैं। और कार ना वैसे मैंने इसलिए निकाली है, जो कि भाई देख रहे हो भाई, तो यहाँ ही पे इतनी भीड़ है, मतलब यहाँ आगे सबको भीड़ दिखना शुरू हो जाएगी। तो जिस जगह हम जा रहे हैं ना, वहाँ से वहाँ पे क्या होता है, 1-2 किलोमीटर पहले से ही भीड़ लगना शुरू हो जाती है। एंड इवन जब वापस आएंगे तो फिर अब भीड़ में फंसो, एक बार जाते ही भीड़ में फंसो, एक बार आते ही भीड़ में फंसो। मैंने कहा एक काम करो, आप अपनी स्कूटी निकालो, मैं बाइक निकाल रहा हूँ, और इसी बहाने चल लेगी बेचारी कम से कम। सही में यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है देहरादून में ना इस बार। ये सेल्फी लवर है दोनों के दोनों। भाई सुबह ना जिस हिसाब से मौसम था ना, उसे देख के लग रहा था कि मतलब आज बारिश तो डेफिनेटली पक्का है भाई, डेफिनेटली बारिश है आज। लेकिन भाई अभी ना धूप इतनी तेज़ हो रही है कि कहीं दूर दूर तक बादल का कोई नामो निशान नहीं है। ऊपर से गर्मी इतनी तेज़ हो रही है ना, मतलब ये हाथ पूरे जल रहे हैं यार। तो ये देखो, ये हम आए थे रायपुर वाली रोड से एंड इन्होंने पूरा रायपुर का रास्ता बंद कर रखा है। देखो सिटी पेट्रोल ने कि भाई जाना है तो जाओ सहजारा, वरना घर जाओ। हमको वैसे जाना यहीं था। आगे बहुत भीड़ जा चुकी होगी ना, इसलिए ये बंद कर देते हैं। एंड पीछे से ये दोनों के दोनों आ रहे हैं भाई। ये देखो ऐसे हीरोइन बन रखे हैं ना भयंकर। भाई बस ये गाड़ियाँ देखो, और बस अनुमान लगा लो जो कितनी भीड़ होगी ऊपर। ये यूपी दिल्ली वगैरह ये गाड़ियाँ देख के आप ये देख लो कि कितनी भीड़ होगी, क्योंकि ये लोग ना वापस आ रहे हैं एंड अभी ऐसे ही कितने लोग तो वहाँ रुके हुए होंगे। ओहो भाई मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है, जगह मिली ना भाई तो ही ना आऊँगा मैं। कह रहा एक रास्ता यहाँ ऊपर से भी है। हाँ अरे पता कहाँ निकलता रास्ता, ये जहाँ पर्ची कटती है ना ऊपर, वहाँ निकलता रास्ता ये। क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? अरे तुम पैदल आओ, इनको आगे जाने दे। भाई मम्मी लोगों से ऑफ रोड करवा रहा हूँ। मम्मी तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम कर रही होगी ऑफ रोड। नहीं नहीं गांव में करा मम्मी ने यार। भाई यहाँ से ना हम इसलिए आए क्योंकि जहाँ से हम राइट मुड़े ना, तो वैसे तो रास्ता जो पक्का रास्ता है ना, जो प्रॉपर रास्ता है, वो सामने वो वाला पुल क्रॉस करके एंड सामने से उस जगह एक और पुल आएगा एंड वहाँ से फिर सहजारा का स्टार्टिंग होती है। इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे, तो इसलिए मैं ये वाला रूट सजेस्ट करा रहा हूँ मम्मी को कि मम्मी यहाँ से ठीक है यहाँ से चलते हैं। लेकिन मम्मी से स्कूटी चल नहीं रही है यहाँ पर फिलहाल, तो अब देखते हैं जहाँ तक चलती है तो चलेगी, वरना ये चलाएगा सचिन।
और डग गए, फिर दोबारा डग गए वो लोग। क्या हुआ मम्मी, नहीं चल रही? तो वहां से आ जाओ। तो आप मुड़ो वापस जाओ, मुड़ जाओ यहाँ से वापस, अभी और आगे बहुत है, मोड़ लो गाड़ी, एक काम करो। भाई साहब क्या ही ट्रैफिक हो रहा है, जैसे झंडे का मेला लगा होगा भाई, इतनी भीड़। तो भाई ऐसे करो, कितनी ही भीड़ है भाई, बहुत ही भयंकर भीड़ भाई, ऐसा लगा जैसे कहीं मेले मूले में आ गए हो और बस झूला झूलने की देरी है, इतनी भीड़ है भाई। भाई साहब ये गर्मी के जो सीन होता है ना भाई, ये होता है हर एक जगह पर ना, जहाँ पानी वाली जगह होती है अब ऐसी भीड़ होती है। अब बस अपने को देखने की जगह मिल जाए जहाँ मतलब इतनी भीड़ ना हो और हम मतलब अपना पानी का इंजॉय कर सकें, बस ऐसा कुछ सीन हो, बाकी देखते हैं। तो फिलहाल तो भाई बाइक कर दी है अपनी पार्क यहाँ पे, और जगह बिल्कुल भी नहीं है, देखो भाई पार्किंग तक की जगह नहीं है, बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है अपने को। थोड़ी देर ना बाइक हटा रहा हूँ यहाँ से, जो कि ना अपने को लग रहा है कि यहाँ सेफ नहीं है, एक आध कार वाला आएगा ठोक देगा भाई। एंड वहाँ ना एक आंटी जाने वाली है जो कि मम्मी की फ्रेंड है पुलिस में, तो वो लगवा रही है गाड़ी यहाँ ऊपर होटल में। वानी क्या ब्रेक लगा नहीं, क्यों नहीं, एकदम से फेल सा हो गया, क्या हुआ? नहीं नहीं फेल में, एकदम फेल में हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। अब फिर आगे वाला ब्रेक पूरा ब्रेक टाइट हो गया भाई, है ना, दिक्कत तो नहीं भाई? अभी तो ठीक है, पर ऐसे ऐसे कैसे, ये तो पहली बार हुआ ऐसा, पता नहीं एकदम से क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ भाई, बाइक का ब्रेक ही नहीं लगा, है ना, जाम ही होगा। वीकेंड में तो ऐसे ही होगा, बेकार ही है इस टाइम, तो मैंने बोला था लोग को। हाँ इतनी भीड़ तो मेले में भी मुश्किल से होती है। तो भाई ये चेक करो कितनी भीड़ है भाई इस जगह पे, भाई भाई मैं तो नहाऊंगा नहीं यहाँ पे। तो भाई अभी ना मूड सा खराब हो चुका है, देख रहे हो भाई, जहाँ पे नहाने को गए थे ना वहाँ तो पूछो मत क्या ही सीन खराब था, पानी इतना गंदा, लोगों के नहा नहा के और एंड ऊपर से ना इतनी ज़्यादा भीड़। तो भाई सीन हुआ क्या कि मैं तो नहाया नहीं, बाकी मम्मी और मौसी लोग गंदक के पानी में एक जगह जहाँ पे फॉल होता है वहाँ पे नहाए, ठीक है। आंटी ने हमें जाने को रास्ता दिखा दिया, बस यही एक मेन पॉइंट था जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी अभी क्रॉसिंग करने के लिए, बाकी मम्मी की स्कूटी वहाँ पे कहीं लगी थी और उन्होंने निकाल दी है, आगे भी मिलेंगे हमको, नहीं नहीं पे लगे हुए हैं, चलो आ जाओ। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, भाई साहब लगे से रह जाते भाई, नहाने नहीं भाई, श्री राम की रैली में आया हूँ। तो भाई जिस जगह से हम आए थे ना आगे ऑफ रोड से, अभी क्या है वहीं से अपने को वापस आना पड़ रहा है, क्योंकि ना उस जगह से हमको आगे जाने नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये देखो वन वे कर दिया उन्होंने, मतलब वहाँ से आने का यहाँ से जाने का, एंड यहाँ से ना वैसे ऑफ रोड से है, मम्मी लोग पता नहीं जा पाएंगे जा पाएंगे दोबारा से वापस इसी रोड से ऐसे ही, लेट्स सी क्या होता है। खाली है पूरा आगे, आगे पूरी खाली है पता, आगे देखो भाई दोबारा से ना उस रास्ते से जा रहे हैं हम लोग, एंड सामने पार्किंग में भाई क्या ही भीड़, अभी तो पहले कम गाड़ियाँ थे भी और ज़्यादा गाड़ी आ चुकी हैं भाई, बेकार आज का दिन पूरा ख़राब गया यार। ओहो भाई मुक्ति मिल गई,
और देवभूमि उत्तराखंड में बताने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमें इतना कष्ट देने के लिए। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा भाई। 2023 में निकला था नहाने के लिए, 5 बार मैंने अटेम्प्ट कर लिया है, 1 बार मैं पानी में नहा नहीं पाया हूँ, और ये दिन मैं कभी भूलूंगा ही नहीं। कोई ऐसा हो जाए अपनी शक्ल की हालत आज पूरे धूप में रहकर, तो बस जस्ट डू वन थिंग, इस गर्मी में बाहर मत जाना भाई, बाइक स्कूटी में तो खासकर, वरना ऐसे हो जाओगे अब मेरी तरह। एक्चुअली मैं इतना घूर रहा हूँ ऐसे, लेकिन अभी धूप में ऐसा हो गया, पहुँचा मैं भी करना, पहुँचाता हूँ अंदर।